Hey guys, press the bell icon and never miss a video from the NVT. हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी ताज फार्म पे कबीर भाई के साथ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया हूं भाई जी। क्या दिखा रहा है भाई इस पार्ट में? ये के खस्सी बकरे हैं, ये अभी चार दांत पे हैं। ये सिरोही हैं? सिरोही हैं और 40 प्लस हाइट है। जी जी, अराउंड 90 किलो है दो का वजन इसका, 85 के आसपास है। ओके, इन दोनों ज्यादा ही होगा, कम बता रहा हूं मैं। इन दोनों का 90 समथिंग, ये दो 90 के ऊपर है, ये 85 प्लस है, कम ही बता रहा हूं, शायद ये हो सकता है ज्यादा ज्यादा हो। अब इनका ऐसा है कि यहाँ से अब आज से आप 3 महीने गिनिएगा। जी जी, वही कुर्बानी के लिए हम तैयार करेंगे। एक एक बकरे में कम से कम 30-30 किलो वेट गेन हो जाएगा कुर्बानी तक। ये हम लोग का चैलेंज बोल लीजिए या दावा बोल लीजिए, मेहनत करेंगे तो मतलब मेहनत करके देंगे, अभी इनको देना नहीं है। अभी नहीं, अभी कुर्बानी के लिए तैयार। तीनों खस्सी बकरे हैं ये? तीनों खस्सी हैं, सिरोही सिरोही हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, इसके बाद इनको जाने दीजिए। अब हम देखते हैं आपके यहाँ के जो खस्सी बकरे हैं और बकरियाँ हैं। जी जी जी, ये हम लोग का अंडुल सेक्शन है। ये अंडुल सेक्शन है, इसमें सिरोही, गुजरी और कोटा के अंडुल बकरे हैं। ज्यादातर ये कम उम्र के हैं, कम उम्र इसमें कुछ कुछ हैं दो दांत वाले, बाकी सब कम उम्र के हैं। कम उम्र यानी 6 से 10 महीने के हैं। अच्छा, 6 से 10 महीने के, ठीक है। आइए, तो जैसे आपने लिख रखा है अंडुल बकरे, ये अंडुल बकरे हैं। और इनका क्या शाइन बहुत शानदार है, चमक बहुत जोरदार है जी। और क्योंकि अंडुल है तो आप बहुत ज्यादा वजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही बात है, पर है यानी दमदार बकरे। एक गाला ये हो गया अंडुल का, और ये खस्सी है। ये सौजत और जो आजकल हैदराबादी और सौजत क्रॉस चल रहा है, सफेद आंख वाला। हाँ हाँ, ये वो डिपार्टमेंट है पूरा। अच्छा, इसमें दो ही बकरे हैं जिनके दो दांत हैं और दो तीन अंडुल हैं, बाकी सब खस्सी है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज कितने दांत पे होंगे सब ये? अधिकतर तो अदंत है, अदंत ही है, बस दो ने दो दांत की, एक ये है और एक इसका भाई है। और एवरेज वेट सबका? वेट इनका अराउंड 70 है। कुछ कुछ है जो 70 केजी तक पहुंच गए अदंत में। अदंत में ही ये एक बकरा है, ये 70 है। कौन सा वाला? ये वाला, ये व्हाइट आईज है इसकी। ये व्हाइट आईज है। हाँ, और एकदम ये प्यार करने वाले बकरे हैं जी। सब सेल्फ फीडिंग पे मक्का खा रहे हैं अभी। सब सेल्फ फीडिंग पे।
उसके अलावा एक ये है, ये 60 के आसपास है, ये भी अदंत है। अच्छा अच्छा, बहुत सारे अदंती है अराउंड 60 70। सोजत ही सोजत कितने हैं अपने पास अभी? सोजत खस्सी बकरे हैं अराउंड 30 के आसपास जी। ओके, तो ये सब फॉर सेल के लिए है? ये फॉर सेल है और इनको हम लोग अभी तैयार भी कर रहे हैं, कुछ कुछ को कुछ कुछ ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं, बिक चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो उसका रेट क्या है सोजत का? ये नक के हिसाब से है, नक के हिसाब से जो जो अंडुल है वो हम बकरियों में वही किलो के हिसाब से, किलो के बकरियों के भाव दे देंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट गाला सिरोही का है। ये सिरोही, इसमें मदर्स कुछ ही बची है, बाकी पाठे हैं। अच्छा अच्छा जी। इसमें जैसे ये बकरी है, ये अभी इस वीक में ड्यू है, दूध अच्छा छोड़ दिया है इसने। उसके अलावा ये काफी बड़े फ्रेम की बकरी है वो। ये भी हाँ, बड़े फ्रेम की बकरी है, मदर गोट्स है हमारी। अच्छा, अराउंड 75 केजीज है ये, एक 80 किलो की बकरी है। कौन सी वाली? ये वाली। यस भाई, काफी बड़ी बकरी है। कोई उसके थन नहीं देखे तो दूर से बोलेगा कि खस्सी बकरा है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है देखने में वो। और अभी अभी गाबन हुई है, अभी 5 महीने बाद रिजल्ट आएंगे। अच्छा, इसका और वो कोई बड़े बकरे का। तो ये सिरोही का गाला है पूरा अपना जी। इस कितने पीस होंगे सिरोही के? सिरोही में अराउंड 60 बकरियां हैं, उसमें छोटी उम्र की ज्यादा है। अच्छा जी, तो सिरोही का रेट? सिरोही का रेट 350 और वैक्सीनेटेड जानवर मिलेंगे और डीवर्मिंग भी रेगुलर, हम सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि कब कब हमने वैक्सीनेशन किया, कब डीवर्मिंग किया। अच्छा, वो सब अपने फार्म का मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो राजस्थान से थोड़ा सा रेट हाई है? हाँ, क्योंकि वैक्सीनेटेड है, आपको राजस्थान में वैक्सीनेटेड। हाँ, ये भी सही है, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड। और ये ऐसा है कि इनकी हम गारंटी लेंगे, अगर आप इनको ढंग से ख्याल रखोगे तो 1.5-2 साल में ये आपको फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी, राइट। ज्यादातर इसके अंदर अदंत और दो दांत ही है। अदंत और दो दांत, ये कुछ कुछ बड़ी बकरियां हैं, क्योंकि सिरोही में क्या होता है कि साइज बड़ा तभी होता है जब वो दो दांत के बाद ही लगती है। हाँ, मैच्योर हो जाती है जी। तो ये उस टाइप की बकरियां हैं जी। बाकी ये बच्चे हैं, हमारा बच्चों वाला सेक्शन है। हाँ, ये आप देखेंगे बच्चे भी दाना उठा रहे हैं। अच्छा, और ये बच्चे अभी 1.5-2 महीने के हैं, दाना खा रहे हैं, हजम भी कर रहे हैं। ये हजम भी कर रहे हैं, हम इनको यानी फोर्सफुली नहीं खिला रहे, पर हम उनको मना भी नहीं कर रहे, वो जितना नेचुरली खा रहे हैं। फिर उनके लिए झूले भी लगाए हुए हैं, अंदर फिसल पट्टियां भी हैं। वो अपन ने पहले पार्ट में सब देखा था। कोई भी जैसे कोई भी बकरियां लेता है तो उस फार्म से ले जहाँ पे बच्चे भी पाए जा रहे हैं। हाँ, सही। अगर बच्चे पाए जा रहे हो इसका मतलब उनका खुद का ब्रीडिंग सेटअप है। हाँ, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ट्रेडिंग नहीं तो कर थोड़ा ट्रस्ट रहता है। अब इनका हम लोग का बचपन से अकाउंटेबिलिटी है कि भाई कब डिवॉर्मिंग हुआ, कब वैक्सीनेट अप करेंगे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कितने दिन बाद करते हैं डिवॉर्मिंग आप? डिवॉर्मिंग हम पहली करते हैं 3 दिन में, 3 दिन में, फिर दूसरी उसके 1 हफ्ते बाद, ओके, और फिर तीसरी 1 महीने बाद। 1 महीने बाद, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं ये कितने दिन में मैच्योर हो जाते हैं ब्रीड के लिए? यानी ब्रीड के लिए, जैसे ब्रीडिंग करने के, ब्रीडिंग करने के लिए, हाँ। वैसे तो 1 साल में, यानी 1 साल में हो जाते हैं, पर हम लोगों ने थोड़ा वजन के हिसाब से रखा है। अच्छा, कि भाई बकरा अगर आपका 50 केजी प्लस हो रहा है तो हम उसको यूज करते हैं ब्रीडिंग के लिए। ओके जी, नहीं तो नहीं करते। चलिए, बहुत बढ़िया है। इसके बाद और अपने पास सोजत की भी फीमेल्स है जी। सोजत में भी हमारे पास पाठे ज्यादा है और फिर कुछ कुछ व्यस्त फीमेल भी है जी। जैसे काफी बड़ा गाला है, कितने पीसेस होंगे सोजत के? इसमें हमारे पास अराउंड 65-70 है। 65-70 पीछे तरफ बड़ी बकरियां हैं, आगे छोटी बकरियां ज्यादा है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम पिंक स्किन में आएगी जी जी जी। और स्किन जो बेसिकली है वो चमड़ी की मोटाई होती है, चमड़ी की मोटाई, यानी अगर काला स्किन है तो बेसिकली ब्लड फ्लो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, और पिंक स्किन है यानी ब्लड फ्लो दिख रहा है, ब्लड फ्लो दिख रहा है, बहुत साइंटिफिक है जी। तो सोजत का रेट अपने यहाँ क्या है ये? 450 ये फिक्स है अपना रेट? ये फिक्स रेट है क्योंकि वैक्सीनेटेड जानवर है और उसमें बकरा भी वही रेट में हम लोग दे देते हैं, बकरा भी वही रेट में। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? कोई 5 भी ले जाता है, कोई 10 भी ले जाता है, 20-50, हम लोगों ने 100 बकरियों तक के ऑर्डर किए हुए। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट का कैसा क्या रहता है? ट्रांसपोर्ट का ऐसा है कि हम लोग अरेंज कर देंगे, फिर उसका जो भी एक्स्ट्रा होगा वो देना पड़ता है। ओके जी, ये पार्टी को देना पड़ेगा? अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो हम फिर ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट वालों को ही देंगे, अच्छा, जो आपको बकायदा यानी साबुत बकरियां पहुंचा देंगे। बंदा भी भेजेंगे आप? बंदा भी हम बोलेंगे तो भेज देंगे, यानी उसका फिर जो भी दिन का होता है, जो व्यवहारिक बात है वो जी 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 सही है, अलग से जो लगेगा वो एड कर लेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बकरियां पूरी हैं, कितने दांत पे होंगे एवरेज? इसमें मैक्सिमम तो पाठे हैं। हाँ, और जैसे वो बच्ची खड़ी है वो तो अभी 3-4 महीने की, फिर कुछ कुछ जो है मैक्सिमम 4 से 6 दांत, 4 दांत वाली है नहीं। अच्छा अच्छा, जो 8 दांत वाली होगी तो हम फिर वो देंगे भी नहीं, यानी सामने वाला क्यों ले। अपने फार्म पे एवरीडे तो बच्चे होती रहती है जी, डेली बच्चे होते हैं जी। सभी अब बकरियों को भी बिल्कुल दाना देते हैं आप? जी जी बिल्कुल। उसके फार्म से क्या है कि सिर्फ भूसा भूसा खिलाते हैं बकरियों को? हाँ, आप थोड़ा कहीं ना कहीं लोग कॉस्ट बचाते हैं अपना ऑपरेशनल कॉस्ट, पर हम लोग का ऐसा है कि अगर बकरी खाएगी अच्छा तो बच्चे भी 2-2, 3-3 देगी। अब हमारे यहाँ पे 2 या 3 बच्चों पे आ गई है। हाँ हाँ, एक बच्चे वाली बची नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये तोता परी है
जी, मेवाती भी बोलते हैं क्योंकि मेवात में पाई जाती है। जी जी, तोता परी का हमारा बहुत शानदार स्टॉक है। मैक्सिमम बकरियां सब एक ही उम्र की है और एक ही टाइम पे वो बच्चे देती है। अच्छा, कैलेंडर ऐसा सेट हुआ है। वैसे एक जो बकरी होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आने वाला बच्चा सेफ रहे? प्रेग्नेंट बकरी का बस यही है कि कोई उसको ज्यादा मारे नहीं और टाइम के साथ साथ उसको अनाज मिलता रहे। अनाज का मतलब दाना मिलने को, दाना मिलने और को। जैसे जैसे उसका प्रेगनेंसी पीरियड पास में आएगा वैसे वैसे उसका दाना बढ़ने को, तभी बच्चा अंदर उतना अच्छे से बन पाएगा। जी जी जी। बाकी न्यू फार्मर्स जो है इनको बकरी पालन में कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है? जो मेन तीन चार बीमारियां होती है हमारे इलाके में उसके वैक्सीनेशन पाए जाते हैं जी, FMD, PPR और ET। तो ये तीन मेजर बीमारियां होती है। इसके अलावा हम लोग गोटपॉक्स का भी मार देते हैं वैक्सीनेशन। तो जो भी वो सीजन आता है बीमारी का उसके पहले वैक्सीनेट कर देना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे ईटी का खतरा थोड़ा ज्यादा है तो हम ईटी का हम बम्पर डोज दे देते हैं। ओके। तीन साल तक बेफिक्र हो जाता है आदमी। बहुत बढ़िया है। तो उसका रेट क्या है तोतापुरी का? तोतापुरी भी 450। ओके। बकरे समेत बकरियां जो है सारी 450 ही? सारी 450। अच्छा अच्छा। हम लोग का स्टैंडर्ड रेट है, अगर जैसे कोई बच्चे वाली भी है और बच्चे वाली भी अगर कोई लेता है तो 450 में सब जाएगा जी। टोटल तोल के बकरियां लेता है, जैसे सपोज आप बकरियां लेते होंगे तो बकरी के अंदर क्या खूबी देखते हैं आप? एक्चुअली जैसे मुझे लेना है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रीडिंग पर्पस से लूं तो एक तो बकरी अच्छी थोड़ी हाइटेड होना, फिर उसके थन अच्छे होना, आंखें वाखे बराबर होना, दांत उसके 2 से 4 दांत की होना, यानी दो बार लगी हुई या 3 बार बच्चा दी हुई, उससे ज्यादा बड़ी लेके बहुत ज्यादा सेंस नहीं है। और उससे छोटी भी मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि छोटे बच्चे हो तो फिर हमारे फार्म पे ही हो। हाँ सही है। जैसे अपना जो फार्म है पूरा शेड, ये कितने स्क्वायर फीट में? हम लोग का शेड है अराउंड 17,000 स्क्वायर फीट। 17,000 टोटल फार्म 25 एकड़ में। ओके। तो शेड डालने में कितना खर्चा आया होगा अंदाजन? अंदाजन आप पकड़ लो 250 रुपए स्क्वायर फीट, 250 से 17,000 गुना कर लेंगे। 17,000 जी, तो कितना हुआ समथिंग? एक सेकेंड कर लेते हैं। 17,000 से 250 ये हो गया 42 लाख के आसपास। अच्छा अच्छा। हम लोगों ने थोड़ा क्या हेफ्टी इन्वेस्टमेंट कर दिया था जी। वैसे मिनिमम कोई गुड फार्म ओपन करना चाहता है तो कितनी बकरियां ले शुरू? मिनिमम जैसे अगर कोई किसान भाई है तो वो 10 एक से शुरू कर सकता है। अगर किसी का मन है कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट पर्पस से गुड फार्म खोलना है तो वो मिनिमम 50 डाले। अच्छा। क्योंकि अगर वो चाहेगा कि भाई उसके फार्म पे कोई आदमी काम करके बकरियों का ख्याल रखे तो उसकी तनख्वाह अपने को तभी पूरेगी जब 50 बकरी अपन पालेंगे। सही बात। तो बकरी बेच के उसकी तनख्वाह करना वो भी सही बात नहीं है। हाँ जी। ये वो अपन ने जो बच्चा देखा था छोटा वाला, हाँ। ये उसकी मदर है। ये ब्राउन ये वाली? अच्छा, ये मक्का हाइट वाली। अच्छा अच्छा। मदर की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। बच्चा इसलिए हाइटेड है क्योंकि जो मेल बकरा लगा था, हाँ, हाँ। वो बहुत हाइटेड। अच्छा। वो बिक चुका है अभी बकरा। बाकी ये कम हाइट की है, उससे ऊंची भी हमारे पास 36+ वाली भी बकरियां दिख जाएगी। बच्चा वैसा नहीं मिला उससे? किससे? दूसरी जो बकरियां है बड़ी? नहीं, दूसरी बकरियों के अभी बच्चे हुए ही नहीं ना। अच्छा अच्छा। वो हमारा पुराना लॉट ही है। हाँ हाँ, पुराना लॉट है। अभी तो इनके बच्चे होंगे 2 महीने इसके बाद। अपने पास बीटल भी है? बीटल भी है, पंजाब की आई है जी। प्योर में ऐसा वाइट आइस? वाइट आइस में है जी। और इसमें ये नहीं, जैसे बीटल का एक स्पेशलिटी होता है कि वो हाँ। नीचे से थोड़ा भैंस जैसा दिखने को होना। हाँ हाँ। क्योंकि दूध के लिए जानी जाती है बीटल। तो इसमें यानी बड़ी बकरियां ज्यादा फायदेमंद होती है जी, जी। हम किसी को भी रिकमेंड करते हैं कि आप अगर ले रहे हो तो फिर बड़ी लो। अच्छा जी। तो ये क्या दांत पे हैं बकरियां अपने पास? बकरियां हमारे पास 2 दांत 4 दांत 6 दांत, 6 दांत से बड़ी। 6 दांत से बड़ी होगी भी तो हम देंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि सामने वाले का नुकसान क्यों करना ना। हाँ हाँ सही है। इसका भी रेट वही है 450? वही 450। तो अभी कितने पीस हैं टोटल? बीटल हमारे पास अराउंड 40 नग है बच्चे मिला। अच्छा। बाकी ईद के टाइम पे ये बिजनेस ज्यादा अच्छा रहता है या ऑफ सीजन? देखिए हम लोग का क्या है कि हम छोटे फार्म्स को सप्लाई करते हैं तो हम लोग का तो 12 महीने का सीजन होता है, पर ईद के टाइम पे फिर कुर्बानी का स्टॉक ज्यादा हाइक पे होता है। ईद खत्म होते से बच्चों का मार्केट तेज हो जाता है जी, जी। तो वो तो 12 महीने का धंधा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है भाई। चलिए ठीक है। ये ऐसी हाइटेड बकरी भी दिखेगी बीटल। हाँ हाँ, ये बड़ी बकरियां हैं जी। इसके बाद ये कौन सी ब्रीड है? ये कोटा है। कोटा में है आपके भोपाल में आजकल इसका? हाँ, चलन बहुत है, बहुत ट्रेंड में है कोटा तो। और कोटा भी यानी ऐसा शाइन आपको कम जगह देखने मिलेगा। हाँ, ये जो फीमेल्स है यानी अपने पास थोड़ा वैरायटी ऑफ कलर ज्यादा है। बच्चे भी हैं कोटा के अवेलेबल, बकरे भी हैं, ब्रीडिंग बक्स भी हैं। अच्छा। और छोटे बकरे भी अवेलेबल हैं। ओके। तो कोटा का बस खूबसूरती के लिए जाना जाता है जी, और वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस खूबसूरत जानवर होते हैं। ठीक, तो जो शौक से करते हैं उनको ज्यादा मजा आता है कोटा में जी। जी। तो ऑलमोस्ट हमने सारी बकरियां देख ली है फार्म जी। कुछ कुछ नागफनी छूट गई होगी। हाँ, और शायद अफ्रीकन बोर हमारी फीमेल छूट गई है। हाँ, तो अपन उनको भी कवर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए
नागफनी जो है ये कहां की ब्रीड है? नागफनी अलवर की है। अलवर पाया जाता है राजस्थान में। हाँ हाँ, तो ये अजमेर से थोड़ा ही दूर है। हाँ हाँ, तो वहाँ की ब्रीड है नागफनी। ओके ओके, नाग जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, मुंह अच्छा होता है। तोतापुरी से थोड़ी मिलती जुलती रहेगी, मिलती जुलती रहती है। कान हल्के से कोटा से जैसे होते हैं, पर ऐसे नीचे से खुले हुए होते हैं। वो खड़ी है एंड में, वो दोनों खड़ी है उधर और एक इधर कहीं खा रही होगी। ठीक है, इसके बाद अपने पास अफ्रीकन बोर। अफ्रीकन बोर फीमेल है और अभी हमने अफ्रीकन बोर और पतीरा क्रॉस किया है। अच्छा, तो उसका रिजल्ट अभी 4-5 महीने में देखने मिलेगा। पतीरा वही अपना जो बकरा था पिंक स्किन। हाँ, में हाँ। तो देखो आप, होपफुली कुछ अच्छा रिजल्ट आए। हाँ, हाँ। जी एक ये अफ्रीकन बोर है, ठीक है, एक ये फीमेल है, एक वो उल्टी खड़ी है, उसने दूध छोड़ना शुरू किया है अभी। अच्छा, वो जो एंड में। हाँ, उसका रेट क्या है अफ्रीकन बोर का? अफ्रीकन बोर का वही 1500 रुपए किलो, वो मार्केट रेट जो है वही है। हाँ, 1500 रुपए केजी। ये हम लोगों ने भी निमकर से परचेस किया हुआ है। हाँ, निमकर तो वो स्टैंडर्ड ब्रांड है। जी जी, वो फिक्स ही है वहाँ का प्राइस, तो अभी से नहीं सालों से एक ही प्राइस चला आ रहा है। हाँ, तो कबीर भाई अंत में हमें कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जिसके बारे में हम पूछना भूल गए हो आपसे। मेरा बस यही है कि जैसे अगर आप बकरियों के बीच में हैं, तो ठीक है, आपको ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा जनरेट करने को होना, तो आप उस हिसाब से उनको प्यार भी करो, उस हिसाब से उनका ख्याल रखो, तो बकरी आपका ख्याल रखेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। सही बात है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।